लोगों ने एक एस्पेक्ट कवर किया था ऑन साइट एसईओ, ठीक है। अब हम बात करने लगे हैं ऑफ साइट एसईओ। ऑफ साइट एसईओ का क्या मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट को दूसरों की वेबसाइट पे जाकर ऐड करवाएंगे। कहीं पर हमें पेड ऐड करवाना पड़ता है और कहीं पर हमें फ्री ऐड करवाना पड़ता है। अब कितनी तरह की ऐड हम करवा सकते हैं? नंबर वन, हम कहते हैं लिंक बिल्डिंग के अंदर जो हमारे पास पहला है वो डायरेक्टरी सबमिशन है। डायरेक्टरी सबमिशन से क्या मुराद है? डायरेक्टरी सबमिशन से मुराद ये कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो डायरेक्टरीज की शक्ल में है, ठीक है। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, बिल्कुल उसी तरह की वेबसाइट्स हैं हमारे पास जो डायरेक्टरीज की शक्ल में है, और उन डायरेक्टरीज में वेबसाइट्स की कैटेगरीज पड़ी हुई हैं और कैटेगरी वेबसाइट वाइज हम वहाँ पर वेबसाइट्स को देखते हैं। सो उन वेबसाइट का मकसद सिर्फ डायरेक्टरीज बनाना है, यानी कि वो डायरेक्टरीज ही बनी हुई हैं और उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि उनके अंदर दूसरी वेबसाइट का को जाकर ऐड किया जाता है अपनी कैटेगरी को फाइंड करके कि हमारी कौन सी कैटेगरी है। अब ये हमारे पास किस में आ जाता है? ये आता है हमारे पास ऑफ साइट में, यानी एक हमारे पास ऑफ साइट की जो मॉड्यूल हो गया वो क्या हो गया? डायरेक्टरी सबमिशन, ठीक है। सो हमने करना क्या है इसके लिए? हमने फाइंड करनी है ऐसी वेबसाइट जो डायरेक्टरी सबमिशन टाइप की वेबसाइट्स है और क्वालिटी की वेबसाइट्स है, जो अच्छी क्वालिटी की डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाकर हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को ऐड करवाना है कैटेगरी को। मिसाल के तौर पर मेरी कोई वेबसाइट रियल स्टेट की है तो फिर मैंने डायरेक्टरी सबमिशन में रियल स्टेट को जाकर ढूंढना है और उसके अंदर अपनी वेबसाइट की एडिशन करनी है। अगर मेरी वेबसाइट एजुकेशनल है तो फिर मैं एजुकेशनल कैटेगरी को ढूंढूंगा डायरेक्टरी सबमिशन में जाकर और वहाँ पर अपनी वेबसाइट को ऐड करूँगा। अगर मेरी वेबसाइट कोई इंडस्ट्रियल है तो मैं इंडस्ट्रियल को ढूंढूंगा, या मेरी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है वेबसाइट, ठीक है, क्लीनिंग सर्विसेज, होम सर्विसेज, तो फिर मैं पहले अपनी कैटेगरी फाइंड। ऐसे नहीं है कि सारी की सारी वेबसाइट एक ही जगह पर रखनी है, हमने अपनी कैटेगरी को फाइंड करके उसके अंदर, ठीक है। सो एक हमारे पास हो गई डायरेक्टरी सबमिशन। दूसरे नंबर पर हमारे पास है साइटेशन वेबसाइट्स। साइटेशन वेबसाइट्स क्या होती हैं? साइटेशन वेबसाइट्स का मतलब ये होता है कि ऐसी वेबसाइट जिसमें आपकी कंपनी का नाम, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस ऐड होता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल तो इसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, वो भी ऐसी वेबसाइट है ना जिसमें हम अपना कंपनी का नाम लिख देते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं और अपना नेम, इसको हम बोलते हैं NAT, नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन, ठीक है। भले ये जितनी भी साइटेशन वेबसाइट्स होती हैं वो भी हमने इसी तरह फाइंड करनी है और हम लोगों ने पेड काम कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर हम पेड की तरफ जाएंगे तो वो ऑर्गेनिक नहीं है हमारा, ठीक है। अब जो लिंक बिल्डिंग हम करने लगे हमें, इससे बेसिकली हम करके रहे हैं अपनी डोमेन की अथॉरिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। डोमेन की अथॉरिटी को इम्प्रूव करना फैक्टर जो है ये गूगल का नहीं है। गूगल के जो फैक्टर्स हैं वो हम लोगों ने पढ़े हैं ऑन साइट एसईओ के अंदर, ये उसका फैक्टर नहीं है। ये किसका फैक्टर है? ये मॉज का फैक्टर है। ये कंपनियां मॉज जिसने ये स्टैंडर्ड बनाया है, वो उससे क्या होता है कि आप अपनी डोमेन की अथॉरिटी को इम्प्रूव करते हो। मतलब बिल्कुल नई डोमेन है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% अप टू 100% आपकी डोमेन अथॉरिटी होती है। तो जितनी अथॉरिटी आपकी डोमेन की अच्छी होती जाएगी, अब ये दूसरा फैक्टर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि हम लोगों ने वेबसाइट को रैंक किया और हमने सिर्फ ऑन साइट से रैंक किया, हमने उसके ऊपर ऑफ साइट कुछ नहीं किया। इसलिए कि रैंक हमने कहाँ करना है? गूगल पे करना है। तो गूगल के ऊपर जो रैंक करने के लिए हमारे स्टैंडर्ड हैं वो तो गूगल के स्टैंडर्ड्स पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर जहाँ पर गूगल के स्टैंडर्ड्स पूरे हो जाते हैं और वहाँ उसके बाद आगे कंपटीशन आ जाए, ठीक है ना, फिर दूसरा फैक्टर आ जाएगा ना बीच में। यानी कि गूगल को तो हम कहेंगे 100x100 हम भी चल रहे हैं और गूगल के ऊपर 100x100 जो है वो हमारा कंपटीटर भी चल रहा है। अब क्या होगा? अब और स्टैंडर्ड भी बीच में आएगा जो उसको इम्प्रूव करेगा, वो होगा डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। क्या आपकी डोमेन की कितनी अथॉरिटी है और आपके पेजेस जो उसके ऊपर बने हुए हैं, यानी कि अलग अलग जो पेजेस उसके आपने बनाए हैं उनकी कितनी अथॉरिटी है। लेकिन ये स्टैंडर्ड किसका बनाया हुआ स्टैंडर्ड है? ये मॉज का बनाया हुआ स्टैंडर्ड है, ठीक है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक डायरेक्टरी सबमिशन, एक साइटेशन वेबसाइट्स, एक प्रोफाइल सबमिशन। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें हम प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं। अब बेसिकली कर क्या रहे हैं?
अगर मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली सबमिशन, तो हम किसी और की वेबसाइट पे जाके काम कर रहे हैं, सही है ना? किसी और की डायरेक्टली सबमिशन की साइट पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट एंटर करके आ जाएंगे बस, और ये काम हम रिपीटेडली करेंगे। हम साइटेशन वेबसाइट पर जाएंगे तो किसी की साइटेशन वेबसाइट्स बनी होगी कि भाई आप यहाँ पर आकर अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस और टेलीफोन दे सकते हो, तो उससे क्या होगा, उससे भी आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होगी। और ये काम भी आप ढूंढेंगे वेबसाइट्स कौन सी वेबसाइट्स हैं, और अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि पेड भी चल सकता हो तो फिर वो पेड की तरफ भी जाएंगे। तो पेड की तरफ जाएंगे तो लाजमी बात है कि क्लाइंट पे कर रहा होगा, तभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तीसरे नंबर क्या बताया मैंने आपको, एक साइटेशन होगी, एक डायरेक्टली सबमिशन होगी, और तीसरे नंबर में क्या आएगा, प्रोफाइल सबमिशन साइट्स। ठीक है, अभी जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही हमने इन साइट्स को ढूंढना है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इन साइट्स को फाइंड करना है। और जैसे हम फाइंड करेंगे तो कहीं पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि 200 वेबसाइट्स हैं यहाँ पर, इस पर ऐड कर लो, इसमें 50 वेबसाइट्स हैं, इन पर जाओ। अब हम क्या करेंगे, उन 50 वेबसाइट्स की लिस्ट बनाएंगे, एक एक करके उनको खोलेंगे और उसके अंदर जाकर अपनी एंट्री करेंगे, ऐसी है। इसके बाद क्या होती है, तीसरे चौथे नंबर पर जो चीज़ है हमारे पास, वो है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग का क्या मतलब है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको गेस्ट पोस्ट करने की ऑप्शन दे रही होती है अपनी वेबसाइट्स पर। इसका मतलब क्या, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम उनका जो रैंक है वो शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे हम ये कहें कि पैकेजेस माल में हम अपनी 10 फ्लेक्सेस बनाकर ले जाएं एडमिशन ओपन की और वहाँ पर लगा दें, ठीक है, उसके बाद हम दूसरे मॉल पर चले जाएँ वहाँ पर लगा दें, और लाहौर में जितने 7-8-10 मॉल हैं वहाँ पर हमारी फ्लेक्सेस लग जाएँ हर आउटलेट के बाद, क्या फ़ायदा होगा हमें इससे, हम बेसिकली उसकी रेपुटेशन को कैश कर रहे होंगे ना, कि यानी उस पैकेजेस माल के अंदर जो बंदा जाएगा और अलग-अलग जब वो शॉप में जा रहा होगा तो उसको पीक सॉल्यूशन का वहाँ पर बैनर नज़र आ रहा होगा, तो उधर से हमें क्लाइंट मिल रहा होगा, हमारी अथॉरिटी बढ़ रही होगी। अब हम अथॉरिटी किसी और की यूज़ कर रहे हैं, एक तरीका क्या था कि हम कॉलेज के बाहर लगा रहे थे, एक तरीका क्या है कि हम किसी ब्रांड के अंदर पहुँच गए। जब हम किसी ब्रांड के अंदर पहुंच गए हैं तो क्या फ़ायदा हुआ है, उस ब्रांड का अपना जो व्यूअर है उस तक भी हम लोग पहुंचे। जो जो लोग वहाँ शॉपिंग करने आ रहे हैं उसकी क्लास हो रहा है, और जितनी ब्रांड है हर किसी की अलग-अलग क्लाइंटेज है, हर किसी का एक अलग क्लाइंट है। बिल्कुल इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि हम दूसरी वेबसाइट पर जा रहे हैं और उनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है। मिसाल के तौर पर मेरी नई वेबसाइट है, उसकी डोमेन 35 चल रही है, 10 चल रही है, 20 चल रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई डायरेक्टली सबमिशन करते हैं और ऐसी साइट पे जाकर करते हैं जो 60+ की हो, जिनकी डोमेन अथॉरिटी 60+ की हो। मैं कहता हूँ प्रोफाइल सबमिशन करते हैं और ऐसी साइट पर जाकर करते हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी 80+ हो। हम कहते हैं साइटेशन पर जाते हैं और ऐसी साइट पर जाते हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी, यानी कि सब वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की बिल्कुल नहीं होगी अगर उसने कोई भी लिंक बिल्डिंग नहीं की हुई, लेकिन डोमेन अथॉरिटी फिर भी होगी। समझ आ रही है बात की? इसी तरह हम और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम क्लासिफाइड साइट्स पे जाकर भी अपने एड्स लगा सकते हैं। इससे भी हमें क्या फ़ायदा होगा कि भाई उस क्लासिफाइड के ऊपर जाकर हमने ऐड लगाया, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होगा क्लाइंट के ऊपर कि हम किस क्लाइंट को देखने लगे हुए हैं, क्या उसके लिए क्लासिफाइड सूट भी करेगा कि नहीं। क्लासिफाइड का मतलब सिर्फ OLX नहीं आता, ठीक है, ये भी आप गूगल पर जाकर लिखिएगा IPR क्लासिफाइड साइट्स इन पाकिस्तान, अगर आपका क्लाइंट पाकिस्तान का, अगर आपका क्लाइंट ग्लोबल है, कैनेडियन है, UK का है, अमेरिकन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं ये जितनी चीज़ें फाइंड कर रहा हूँ ये सारी उस कंट्री के लिए फाइंड कर रहा हूँ, इसलिए कि ये सारी सबमिशन मुझे उस कंट्री के हिसाब से करनी है। लेकिन मेरी वेबसाइट अगर पाकिस्तान में चलने लगी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं सारी चीज़ें, मिसाल के अपनी सॉल्यूशन की हमें लिंक बिल्डिंग करनी है तो कनाडा में करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनका तो सारा लोकल क्लाइंट है, इसको तो हम पाकिस्तान में ही करेंगे। सो हमने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है, ठीक है। ये तो आपको मैंने एक पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि लिंक बिल्डिंग होती क्या है, समझ में आ गया होगा। गूगल ऐड का तो इससे बिल्कुल कोई तल्लुक नहीं, गूगल ऐड तो बिल्कुल कोई और चीज़ है, ये कुछ और चीज़ है, वो ये लिंक में, वो लिंक बिल्डिंग नहीं है। अगर आप गूगल ऐड चला रहे हैं किसी वेबसाइट पर तो उसका मतलब लिंक बनाना नहीं है,
वो लिंक बिल्डिंग नहीं है, वो तो ऐड है, वो तो एडवर्टीजमेंट है, वो तो परमानेंट तो नहीं है। आज मैंने 1000 रुपया लगाया तो आज ही नजर आएगी ना, कल तो नहीं नजर आएगी, कल पैसे लगा, वो लिंक तो नहीं है। लिंक का मतलब क्या है कि उनकी वेबसाइट की कॉपी पे जाकर आप अपनी एंट्री करवा के आ गए। अब जब भी उनकी वेबसाइट खुलेगी उसके ऊपर आपकी कंपनी का नाम भी आएगा, यानी कोई भी बंदा जाएगा किसी डायरेक्टली सबमिशन साइट पे और वो देखेगा कि भाई एजुकेशनल साइट्स कौन कौन सी हैं, तो जिन जिन लोगों ने अपनी साइट वहाँ पे सबमिट कराई होगी वो वहाँ पे आएंगी। अब एक तो क्या फ़ायदा हुआ, ट्रैफिक मिली, नंबर वन। नंबर टू क्या फ़ायदा, जो हम मेन फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं वो क्या उठाना चाह रहे हैं, हम अपना डोमेन रेटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं। असल चीज़ ये है कि जो हम लिंक बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, हम डोमेन रेटिंग यूज़ कर रहे हैं। जब आप अच्छी डोमेन रेटिंग वाली साइट्स पर जाकर ये काम करोगे तो आपकी डोमेन की रेटिंग इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब आए ज़रा इधर स्क्रीन पर आ जाए ज़रा कुछ एक दो चीज़ें पहले समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी, ठीक है ना, पता लग गया ना आपको कि डोमेन अथॉरिटी है क्या चीज़। डोमेन अथॉरिटी क्या है कि एक मॉज का बनाया हुआ स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसके मुताबिक हमें पता लग रहा होता है कि भाई हमारी जो वेबसाइट है उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। जब हम किसी चीज़ को रैंक पे करने जा रहे हैं, रैंकिंग करने जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट ने रैंक होने ऑन साइट एसईओ से और ऑफ साइट एसईओ से, ठीक है। अब अगर मैं और मेरा कंपटीटर दोनों ही ऑफ साइट एसईओ पे काम ही नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, ना मैं कर रहा हूँ ना मेरा कंपटीटर कर रहा, जब हम अपनी डोमेन अथॉरिटी को देखते हैं तो मेरी डोमेन अथॉरिटी भी 20 के करीब है, कहीं मेरा जो क्लाइंट है उसकी भी डोमेन अथॉरिटी 20 के ही करीब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों किस पे काम करने लगे हुए हैं, ऑन साइट एसईओ पे काम करने लगे हुए हैं, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम में से कोई एक बंदा जो थोड़ा सा भी काम डोमेन अथॉरिटी पे करेगा तो उसकी डोमेन ऊपर चली जाएगी, यानी वो 40% पे जा सकता है, उसका स्कोर 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 35 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने कंपटीटर से तो आगे चला गया, तो उसने एक फैक्टर ये वाला भी ले लिया, समझ आ गई बात। लेकिन अगर दोनों ही नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम दोनों को कोई नहीं है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी कर रहा होगा तो पहले एसईओ के फैक्टर सारे होंगे, एसईओ के बाद फिर डोमेन अथॉरिटी का फैक्टर कंसीडर होगा। लेकिन क्योंकि हमारी जो रैंकिंग है वो कहाँ हो रही है, गूगल पे हो रही है, भले हम चाहते तो यही है ना, ऑर्गेनिक सर्च में तो गूगल पे आ रही है, हमें मोज में जाकर, हम तो मोज का नाम भी आप लोगों ने आराम से सुना है आखिरी दिनों में आकर मुझसे सुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोज कोई सर्च इंजन तो नहीं है, मोज में सर्चिंग तो नहीं हो रही है, मोज ने तो एक स्टैंडर्ड बनाया है सिर्फ, जिस तरह गूगल ने इतने सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, मोज ने भी एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई डोमेन अथॉरिटी टॉप की डोमेन अथॉरिटी और उससे नीचे की डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा जी, डोमेन अथॉरिटी है क्या चीज़, इज अ सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर डिवेलप्ड बाई मोज दैट प्रिडिक्ट्स हाउ लाइकली अ वेबसाइट इज रैंक इन सर्च इंजन रिजल्ट्स, ठीक है, कि कितनी सर्च इंजन रिजल्ट्स में उसने रैंक करना है, यानी रैंक क्या कर रहा है वो गूगल पर। लेकिन गूगल बिल्कुल ये नहीं कहता कि आपने अगर मोज नहीं किया तो मैं रैंक नहीं करूँगा। मैंने आपको ऐसी वेबसाइट्स दिखाई जो हमने सब डोमेन्स में अपलोड की और हमने उसकी ऑफ साइट 1% भी नहीं की, हमने उसकी ऑफ साइट 1% भी नहीं की, लेकिन वो कीवर्ड की बेस पर रैंक हो गई, ठीक है। हो सकता है कि उसके आपकी जितने कीवर्ड कॉम्पिटिशन हों उस कीवर्ड के अगेंस्ट किसी ने भी वाली रैंकिंग पे काम ना किया, ठीक है। अब ये क्या, डोमेन अथॉरिटी स्कोर्स रेंज फ्रॉम 1 to 100 विद हायर स्कोर करस्पॉन्डिंग टू ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ रैंकिंग, यानी 0 से लेकर 100 तक हमारे पास जो है इसका स्कोर है, और जितना हाई स्कोर होगा इसका मतलब क्या होगा कि उतनी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है। अब इसके लिए आपने करना क्या है, इसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले जब आप घर जाओगे तो ये मोज की एक एक्सटेंशन है, मोज बार एक एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन है मोज बार। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। जब आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद आपने इधर आ जाना है, ये देखें ये एक्सटेंशन जहाँ लिखा हुआ है मेरे पास भी आ रहा है, आप सबके पास भी आ रहा होगा स्क्रीन पे देखें, और यहाँ से आपने इसको पिन कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने पिन किया हुआ है ना इसको, जब मैंने इसको पिन किया तो मुझे ये यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो गई है। और अगर आप ये देख रहे हैं और जब आप पहली दफा इसे इंस्टॉल करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने विड आईक्यूब आपको बताया था कि लॉगिन करना पड़ेगा आपको, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी आप साइन अप करोगे क्योंकि आपको पहली दफा इसमें आ रहे हैं, तो आपने इस पर अपना अकाउंट बना लें, अकाउंट बना के जब आप लॉगिन हो जाओगे तो फिर आप जो भी वेबसाइट लिखोगे ये आपको उसके एनालिसिस करके बताएगा,
क्या बताएगा कि जनाब इस वेबसाइट का क्या स्कोर है। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं लिखता हूं jio.tv, ठीक है, ये ब्लैक कलर में आ रही है, तो उसको अब मैं देख बता देता हूं आपको। इस पे लिखा हुआ आ रहा है पेज अथॉरिटी कितनी है जी इसकी 63%, डोमेन अथॉरिटी इसकी है 82%। दो चीजें हो गई, एक है पेज अथॉरिटी, मैंने आपको बता दिया पेज अथॉरिटी क्या होती है, एक है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी तो सबको समझ आ गई कि क्या चीज है, पेज अथॉरिटी क्या चीज है। पेज अथॉरिटी भी डोमेन अथॉरिटी की तरह है, लेकिन किसी भी वेबसाइट की डोमेन तो एक ही है, लेकिन पेजेस बहुत सारे हैं। तो जो अलहदा अलहदा पेजेस हैं हम उसकी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। सो अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर तो पेज अथॉरिटी के अच्छे होने का है कि आपकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है। यानी आपने अपनी डोमेन अथॉरिटी इम्प्रूव की तो आपने समझना के साथ साथ क्या हो रहा है, मेरी पेज अथॉरिटी भी इम्प्रूव हो रही है। अब यहाँ पर कोई गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या है कि आप कितनी क्वालिटी की वेबसाइट पर जाकर अपने लिंक्स लगा रहे हो। कौन से लिंक्स लगा रहे हो, वही वाले डायरेक्टली सबमिशन कर रहे हो, प्रोफाइल सबमिशन कर रहे हो, गेस्ट पोस्टिंग की अगर आपके पास कोई फ्री ऑप्शन है। वैसे आमतौर पर गेस्ट पोस्टिंग की फ्री ऑप्शन बहुत कम होती है, सब पेड ऑप्शन होती है। यानी ऐसी वेबसाइट लोग खुद बनाते हैं कि लोग आकर हमारे पास गेस्ट पोस्टिंग करें। अब वो गेस्ट पोस्टिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट जाना है तो एंटर करना है, जैसे हम बाकी का काम करेंगे पोस्ट कर देना उसको। लेकिन उसके लिए हमें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उस वेबसाइट के ऑनर से, और वो परमिशन कैसे देगा, पैसे लेके देंगे। वो आपको कहेगा जनाब ठीक है आप मेरी वेबसाइट पर आकर लिखना चाह रहे हो, ठीक है आप $100 जो भी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इतने डॉलर में वो आपको एक गेस्ट पोस्ट की ऑप्शन देते हैं। लेकिन गेस्ट पोस्ट से भी आपकी रेटिंग बहुत जल्दी इम्प्रूव होती है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इन कामों के लिए पे करते हैं। मतलब कोई भी बंदा आपको SEO के लिए पे करेगा, लेकिन जब आप उसे कहोगे कि जनाब मुझे तो आपकी गेस्ट पोस्ट लगानी है और इतने डॉलर्स में मुझे एक वेबसाइट पर पोस्ट मिल रही है, वो आपसे यही कहेगा कि ये तो काम आप क्या, ठीक है ये मैं आपको किसी चीज़ के पैसे दूँ। लेकिन बाहर के कंट्री की कोई वेबसाइट होगी तो वो लोग इस काम के लिए पैसे देते हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं हमारे पास जो गेस्ट पोस्टिंग कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं, उन्होंने लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, फाइंड करते हैं लोगों को, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो गेस्ट पोस्ट करवाना चाहते हैं, फिर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके ऊपर गेस्ट पोस्ट हो रही होती है, बीच में वो ब्रिज के तौर पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे बंदों को वो खुद से लोकेट कर रहे होते हैं, यानी वो कहते हैं जनाब गेस्ट पोस्ट करवानी है आपने, कोई कह रहा होता है जी मैंने करवानी है, फिर उनको ऐसे बंदे लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं जिनकी गेस्ट पोस्टिंग साइट्स होती है, फिर वो दोनों के बीच में ब्रिज के तौर पर काम करते हैं और बीच में अपना कमीशन रख के उनके पास गेस्ट पोस्ट करवा देते हैं। समझ आ गया मेरी बात, अब ये देखें आ गया। अब यहाँ पर हमने पेज अथॉरिटी की बात भी कर ली, डोमेन अथॉरिटी की भी बात कर ली, और तीसरे नंबर पर एक चीज़ आ रही है स्पैम स्कोर, ठीक है। स्पैम वेबसाइट्स भी कुछ होती हैं, ठीक है। अब इसके स्कोर का भी एक लेवल है, इधर आए ज़रा जी। स्पैम स्कोर इज बेस्ड ऑन आवर मशीन लर्निंग मॉडल विच आइडेंटिफाइज 27 कॉमन फीचर्स अमंग द मिलियंस ऑफ बैंड पर्सनलाइज्ड साइट। कहते हैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि कुछ ऐसा काम करती हैं जो कि ठीक नहीं होता, ठीक है। अब जो वो यानी कि अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए जो ऐसा काम करते हैं जो कि ब्लैक है एड SEO में आ जाए, ठीक है, अब वो 100% नहीं करती है। मतलब ऐसे नहीं है कि 100% वो वाला काम करें, ऐसी चीज़ें जिसको कि पेनलाइज किया जाता है, ठीक है, जिसको पेनल्टी लग रही होती है। अब वो ये देखते हैं कि जो एक वेबसाइट है कि कितनी स्पैम है, यानी उसकी एक लिमिट है कि भाई किस हद तक स्पैम हो। अगर तो कोई वेबसाइट 1 to 17% अबाउट 17% या 25% तक स्पैम हो देन ओके, लेकिन जो वेबसाइट इससे ज़्यादा स्पैम शो हो रही हो वहाँ पर से लिंक लेना हमें नहीं लेना चाहिए। अब हमें पता कैसे लग रहा है कि मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुझे एक साइट मिल गई है, सपोज करते हैं हम जैसे मैंने अभी जियो को ही कह दिया हुँ? अब इसका स्पैम स्कोर कितना है, 1% इज फाइन, ठीक है। वो कहते हैं 1% इसका स्पैम स्कोर है, ठीक है। अच्छा इधर आते हैं हम ज़रा जियो क्या कह रहा है, स्कोर बिटवीन 1 to 30% इज कंसिडर्ड
लो, कहता है एक से लेकर 30% के दरमियान अगर आपका स्पैम स्कोर है तो ये लो स्कोर कंसिडर होता है, इट्स ओके। लेकिन 30% तक हमें जाना नहीं चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो रिकमेंडेड होता है ना वो 1-15% तक होता है, यानी इधर तक हो तो फाइन। इतना अगर स्पैम स्कोर हो किसी वेबसाइट का और उसकी डोमेन अथॉरिटी भी 60+ हो, 70+ हो, और आपकी डोमेन अथॉरिटी भी लो हो, यानी आपने लिंक भी किसी ऐसी साइट पे जाके लगाना है जिसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी हो, अगर उसकी डोमेन मिसाल के तौर पर आपकी डोमेन अथॉरिटी चल रही है 45% और आप जिस पे जाके लिंक लगाने लगे वो उसकी 40% है, ठीक है, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे अभी मैं ये कह रहा था कि हमने फ्लैक्स लगानी है जाकर, तो हम पीक सॉल्यूशन की फ्लैक्स लगा दें, किसी बंदे ने अपने घर में अकेडमी खोली हुई है तो उसके अंदर जाकर लगा दें, उसका तो कोई इतना खास फ़ायदा नहीं होगा। उसका फ़ायदा तो उधर ही होगा ना जहाँ पर किसी ब्रांड में जाकर लगाएंगे जहाँ से हमें एक्स उसका क्लाइंट मिल रहा होगा और बड़ा क्लाइंट मिल रहा होगा। सेम इसी तरीके से आपने अपना स्कोर भी चेक करना है और जहाँ पर आप लिंक पोस्ट कर रहे हैं आपने उसका स्कोर भी चेक करना है। दोनों स्कोर्स को आपने चेक करके फिर हमने डिसाइड करना है कि भाई यहाँ पर लगाना भी चाहिए मुझे कि नहीं लगाना चाहिए। और आपने जब लगाना है तो आपने उसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है और आपने उसका स्पैम स्कोर चेक करना है, क्योंकि स्पैम स्कोर चेक किए बगैर आपने नहीं लगाना। ये ना हो कि उसने कोई ब्लैक हैट टेक्निक यूज़ करते हुए कुछ देर के लिए अपनी साइट को रैंक किया हो और अपनी डोमेन अथॉरिटी को इम्प्रूव किया हो, तो उसके साथ साथ उसका असर फिर आपकी साइट के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। तो हमने तीनों चीज़ों को देख लिया, एक हो गई डोमेन अथॉरिटी, एक हो गई पेज अथॉरिटी, और पेज अथॉरिटी तो मोस्टली फोकस किस पे कर रही है, मोस्टली किस पे चल रही है, डोमेन अथॉरिटी पे चल रही है, यानी कि आपकी डोमेन अथॉरिटी आपने बिल्ड की है तो आपके साथ साथ पेज अथॉरिटी भी बिल्ड हो रही है। और तीसरे नंबर पर है स्पैम स्कोर, आपका स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मोस्ट कहने लगा हुआ है कि 30%, इससे ऊपर ना हो, लेकिन हम ये कहते हैं ये भी ज़्यादा है, ठीक है। अब आप देखो ना, जैसे वो कह रहा है 30%, तो जियो का हमने देखा तो 1% आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा जो स्पैम स्कोर है वो बिटवीन 1-17% होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें क्वालिटी लिंक्स फाइंड करने हैं, ऐसे नहीं है कि मैं अभी कोई लिंक ढूंढूँ और उस पर लिखा हुआ आ जाए 1500 डायरेक्टली सबमिशन साइट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1500 साइट्स हैं तो मुझे एक एक को पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई इसमें से जो साइट को मैं ले रहा हूँ इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी अच्छी है, क्या इसका स्पैम स्कोर कितना है, ठीक है। सिर्फ हम लोगों ने डोमेन अथॉरिटी देखकर वेबसाइट नहीं लगा देनी, हमने उसका स्पैम स्कोर देखकर भी वहाँ पर लिंक को पोस्ट करना है, ठीक है। बाद में ख़राब हो जाएगा वो तो एक बात की बात है ना, ठीक है, लेकिन हमने जब लगाना है वैसे बाद में तो कभी ख़राब नहीं होगा, जो ठीक चल रही, जिसका स्पैम स्कोर ही ठीक आ रहा है, 1% आ रहा है, 2% आ रहा है, 3% आ रहा है, 17% आ रहा है, वो कभी भी 50% पर तो नहीं जाएगा, ठीक है। बाद